उच्चतम डाक घरु चिठी। लेखक मनोज दास। लेखाटी दैनिक धरित्री रे लेखकंकर केते दिगंत स्तंभरे 7 सेप्टेम्बर 1980 रे प्रकाशित। मु पाठ करुछि समीर रंजन दास। पृथ्वीर उच्चतम डाकघरु ए चिठी खंडक पठाई तुमको अभिवादन जनाउछि। ए स्थानर नाम टेसुलु। लडाखे 14,000 फुट ऊर्धरे एहा अवस्थित। ए अंचल अत्यंत मनोरम। आम पर्वतारोहण कार्यक्रम सुरुखुरुरे चलिछि। 15 अगस्त लिखित ए पत्र गतकाली मो पाखरे आसी पहुंचिला। लेखिछन्ति बंधु हरीश कापाड़िया। भारतर सौखीन पर्वतारोही मानंक भितरे अन्यतम तुंग श्रद्धेय नाम। लडाख सीमांतरे दुर्गम पार्वत्य अंचल को बाहरी जीवार पूर्वदिन से बम्बेरु चिठी देइथिले। मने मने तांको अभिजात्री दलर साफल्य कामना करिबा संगे संगे गोटिए पुलक अनुभव करुथिले। ए चिठी पाई से पुलक दुई गुण हेला। पर्वतारोहण विज्ञान रे जे मोर कौनसी आग्रह बा प्रवेश अछि ताहा नुहे। एतिकी बुझे जहाँ समस्ते बुझंती अज्ञात को जानिबार दुरागम्य को जय करिबार जेउं शुभंकर आग्रह मनीष भितरे निहित एहा ताहारी एक प्रकाश। तेबे बंधु हरीश सिंह ए यात्रार तात्पर्य आहुरी अधिक। सेथिपाई तांकर अभियान ओ बार्ता एड़े पुलकप्रद। तात्पर्यर पट्टभूमि हरीश नेतृत्व रे तांकर प्रतिष्ठान पर्वतारोही माउंटेनियर्स र सभ्य माने पूर्वरु एकाधिक दुर्गम पर्वत शृंग आरोहण करिबार गौरव अर्जन करिछन्ती। सेसबु जेपरि स्मरणीय सेहिपरि स्मरणीय होइ रहिबो तांको गत अभियानर कहानी। सेथर हिमालय पर्वत श्रेणीर एक जनहीन अंचलरे सेमाने डेरा पकाइथिले। प्रस्थ प्रस्थ गिरी श्रेणी अतिक्रम करिबा परे खंडिए अनति बृहत उपत्यका। से उपत्यकार मध्यभागरे गोटिए तीख पर्वत। ता श्रृंगरे मनुष्यर पादचिह्न पड़ नथिला। से गोटिए थिला हरीशंक दलर लक्ष्य। से माने से लक्ष्य हासिल कले। तापरे प्रत्यावर्तनशील यात्रा। उपत्यका परे पुनर्बार प्रस्थ प्रस्थ गिरिश्रेणी अतिक्रम करिबाको पड़िब। दिने गोटिए तंबुरे रही प्रबल झड़ वर्षा सहिबाको पड़िला। पर्वतरे से भली झड़ बेले केते पत्थर स्थानच्युत हो जाती। केते शिलाखंडर मूल दोहली जाए। बड़ बड़ वृक्ष मैंने थरे थरे पर्वत प्रांतरु निम्न देश को झुलंत अवस्था रही था। हरीश धीरे धीरे अग्रसर होते। दौड़ी अंटा सह बंधा होती आउ तीन जन। से माने नेतांक पदांक अनुसरण कर चली। हठात आपात दृष्टि दृढ़ दिशुवा शिलाखंडीए खसीगला। धरी पकाइबा भली गच्छ बा अन्य अवलंबन नहीं। दुई पर्वत मध्यवर्ती गभीर गह्वर भितर को खसीआसी शून्य झुली रहिले हरीश। तांकर अनुगामी माने ऊपर पत्थर देह को आउजी बा पत्थर आबोरी रही थांती। कौनसी प्रकारे ऊपर को उठिबार उपाय नहीं। अनुगामी माने एपरी अवस्थारे थांती से माने पत्थर देहरु हात छाड़ी दौड़ी टाणी झुलंत नेतांकु टेकिनेबे ताहा भी संभव नुहे। से ही संकटजनक मुहूर्त अविलंबे कौनसी सिद्धांत को आसीबा आवश्यक। हरीश बुझिपारे भार बहन करी अनुगामी मानंक अवस्था अचिरे दुदुल्यमान हेब। से कर्तव्य स्थिर करिनेले। अंटारु से छुरी बाहर कले ओ दौड़ी काटिदेले। तले कुहुड़ी जोगु गहरर गभीरता से बुझिपारि नथिले। पड़िले वृक्ष ओ तीक्ष्ण शिलाखंड मान उपरे कुहुड़ी भेद करी अनेक तले। कहिबा बाहुल्य से हेले संज्ञाहत। जेतेबेले दीर्घ परिश्रम अंते अनुगामी माने आसी तांक पाखरे पहुंचिले ओ तांक संज्ञा फेरिला से बुझिले से अचल हो जाइछन्ते।
ଦେହର ପ୍ରତି ଅସ୍ଥିଖଣ୍ଡ ଯେମିତି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ଥିଲା ବିପଦଜନକ। ଦୁଇଜଣ ସେହି ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଲେ। ଜଣେ ଚାଲି ଚାଲି ତିନି ଦିନର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗୋଟିଏ ସାମରିକ ଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଥିଲା ବେତାର ମାଧ୍ୟମ। ସେଥିଯୋଗେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଘାଟିକୁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରଣ କରାଗଲା। ଆସିଲା ସାମରିକ ହେଲିକପ୍ଟର। ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କୁ ଧରି ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ଗହର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବତରଣ କଲା। ସେଠାକୁ ହରି ସିଂଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସାଥୀ ତାଙ୍କୁ ବହନ କରି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ହରିଶ ଦୀର୍ଘକାଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣର ଆଶା ବିସର୍ଜନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଆଶା ବଳବତୀ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଜୀବନ ଅକର୍ମଣୀୟ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଶଙ୍କା ବିକ୍ରମେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେ ପୁଣି ଦିନେ ପର୍ବତାରୋହଣ କରିବେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନ୍ତତଃ କେହି ଦେଖୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ହରିଶ। ଆନ୍ତରିକ ଅଭିପ୍ସା ଓ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶକ୍ତି ଫେରିପାଇ ଆଜି ପର୍ବତାରୋହଣରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ଡାକଘରୁ ତାଙ୍କର ଏ ବାର୍ତ୍ତା ମାନବର ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନାର ଶିଖରରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା।